रोहतक जिले में सांपला कुल्ताना रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में किराए के मकान पर रहने वाली दंपत्ति का शव मिलने का मामला सामने आया है। मौत का कारण कमरे में रखी अंगीठी से बनी गैस को बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौत का कारण अंगीठी से निकली गैस को ही माना जा रहा है और मामले की जांच हो रही है। जी, आज आप यहां पे आए हैं, घटना स्थल पे क्या देखा है और क्या पाया है? सूचना मिली थी, गाँव वाले बता रहे थे, दो लेबर टाइप है, किराए में रहते हैं, वहाँ दोनों डेड हो चुके हैं। गेट बंद था, गेट उन्होंने खोला है, बर्तन गेट खोला है, हमने आगे देखा भाई दोनों मौके पर डेड थे और ऐसा कोई लग मेरा लग रहा है भाई जैसे कोई ला वगैरह अंगीठी वगैरह जलाई ही नहीं और धुआं होने से दम घुटने से लग रहा है। फिर भी इनका पोस्टमार्टम कराएंगे तो उन बात पोस्टमार्टम देखेंगे क्या डॉक्टर ओपिनियन देते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जांच के विषय में आई हो? कोई ऐसी मूवमेंट नहीं, मौके से भी है कोई कोयले जलाए ही नहीं और धुआं होने से दम घुटने से इनकी मौत लगती है। कहाँ के रहने वाले थे ये? बाहर के रहने हैं, यहाँ लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं, सारी लेबर ही है यहाँ पे, किराए पर रहते हैं। तो FSL टीम को भी घटना टीम मौके पर आ गई है, उसको देख लिया, FSL टीम ने ये किया है कि धुएं दम घुटने से लग जाते हैं। शवों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामपाल व उनकी पत्नी जंत्रा देवी के तौर पर हुई है, जो कि कुल्ताना रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते थे। यहीं पर उन्होंने एक कमरा किराए पर ले रखा था। रात को सर्दी से बचने के लिए दोनों अंगीठी जलाकर सो रहे थे। सुबह जब वो दिखाई नहीं दिए तो आसपास के लोगों ने मौके पर जाकर देखा। कमरे में सर्दी से बचने के लिए एक अंगीठी जलाई गई थी। अंगीठी से निकलने वाली गैस की वजह से इनका दम घुटा और दोनों की मौत हो गई। फिलहाल उनके परिजनों को सूचित किया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेजा गया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV।